हेलो एवरीवन। सो एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल आता है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों साइड्स के लिए, क्योंकि एक हाइपोटेन्यूस होगा और बाकी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो साइड ऑपोजिट टू 45 यहां पे ए बी लिख लेता हूं क्योंकि वही ढूंढना है। इट विल बी इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमें पता है क्वेश्चन में से 2√2 है, तो √2 और √2 कट हो गया और ए बी का आंसर मिल गया 2। और यूनिट्स कुछ दिया नहीं है इसलिए हम यूनिट्स लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1B का थर्ड का आंसर है 2 यूनिट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। देखिए यहां तक मैंने सॉल्यूशन कुछ लिख के नहीं दिया क्योंकि ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना है और जहां पे जो रिक्वायर्ड था वहां पे आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। तो अभी से मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगा। तो अभी वापस कंप्लीट द फॉलोइंग है, कोई सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट 3 5 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन द ट्रिपलेट इफ द डैश ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन अ ग्रुप ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्लियरली ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है। तो इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, तो यहाँ का आंसर है स्क्वेयर। सो इफ द स्क्वेयर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, ये तो हो गया। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 3 5 और 4 में? क्लियरली 5 लार्जेस्ट है, तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वेयर एंड 3 का स्क्वेयर। यहाँ पे कुछ तो अजीब है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। डैश एंड 3 स्क्वायर प्लस डैश, ऑल राइट, दिस इज नॉट मेकिंग मच सेंस। तो आई जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ ही है यहाँ पे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होना चाहिए था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है एंड 3 स्क्वायर प्लस, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा ये ऐसा किया है उन्होंने, समझ गया। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऐसा लिखा रहेगा एंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो यहाँ पे +25 गलती से लिख लिया है, इज इक्वल टू 25 होगा। तो अब सब चीजें क्लियर है। तो 5 का स्क्वायर कर लिया तो 25 आएगा और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 जो कि 25 होगा। तो इससे प्रूव हो गया कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सबके आंसर्स मैंने आपको फिलअप करके दे दिए है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ये जो चैप्टर है इसके जो छोटे क्वेश्चन है वो बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इजी है, क्लियरली हमें पता है कि क्योंकि वो रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो बी डी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा सी डी विच इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और वो ऑलरेडी फिलअप करके दे दिया है और इनको सिर्फ ऐड करना है हमें। तो ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आप खुद लिख लेंगे, वो एकदम बेसिक हो गया। तो आप खुद कर लीजिए वो 1225 प्लस 144। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो वैसे ये क्वेश्चन इसका तो लग नहीं रहा है बट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्या करना है कि ये जो x इज इक्वल टू 1 और -1 है तो इंडिविजुअली अलग अलग पुट करके देख लीजिए। तो x² + 4x - 5 में मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 - 5, तो ये हो जाएगा 1 + 4 - 5
वन प्लस फोर होता है फाइव, और फाइव माइनस फाइव जीरो हो गया, जो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जबकि दूसरे वाले के लिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव में एक्स के जगह पे हम माइनस वन पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव। माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, फोर इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस फोर, वन माइनस फोर पहले माइनस थ्री, और फिर ये माइनस फाइव जो कि हो गया माइनस एट, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज नॉट अ रूट। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट, आइडेंटिफाई विद रीजन वेदर दिस दिस एंड दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो क्लियरली पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर पहले निकालेंगे, तो 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप ये रफ में कर सकते हैं, 74 इंटू 74, 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 सेवन आर 28 प्लस 1 इज 29 प्लस 7 फोर आर 28, 7 सेवन आर 49, 49 प्लस 2 इज 51, 6 7 कैरी 1 4 और 5, तो आपका आंसर आ गया 5476। इसे इक्वेशन नंबर 1 करके साइड में कर देंगे, फिर आप अलग से 70 का स्क्वायर कीजिए। अभी आपको ओरली भी वैसे तो आना चाहिए, 4900 होता है, और 24 का स्क्वायर ये भी आपको वैसे तो ओरली आना चाहिए, नहीं आता तो आप रफ में करके देख सकते हैं जैसा ये किया है मैंने, और फिर आप लिखेंगे 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 प्लस 576 इज इक्वल टू 5476, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और इसके बाद हम लिखेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप रफ में भी कर सकते हैं। तो हमें 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देयरफॉर ये हमारा रीजन था, तो देयरफॉर 24 70 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये ए, ठीक है। वापस आप चाहिए तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MR, तो हमें MR ढूंढना है। हमें दिया है PM जो कि 10 है, QM जो कि 8 है, और ये भी राइट एंगल है और यहाँ पे भी राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम ये और ये यूज करके ये वाले साइड का लेंथ निकाल लेंगे, ये ट्राइंगल PQM, इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल PQM एंगल M इज 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस, तो M के सामने वाला है PQ, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ऑलरेडी हमें पी एम पता है 10 और क्यू एम पता है 8, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 64 विच इज 164, तो पी क्यू स्क्वायर मिल गया 164, तो पी क्यू जो है वो हो जाएगा रूट ऑफ 164, और इसे हम ऐसे ही रख लेंगे इक्वेशन 1 करके साइड में। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, जो बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, तो पी के सामने वाला जो है वो क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर।
क्योंकि बी के सामने वाला क्यू आर था।